बीबीए फर्स्ट ईयर। अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसे कि कल आप लोगों का पेपर है मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना। आपको जो नोट्स कराए गए हैं उन्हीं में से पेपर बनेगा। आप अपने नोट्स, अपनी एक्रोनिम और जो आपको मेगा क्लास प्रोवाइड करी गई थी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ कवर है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी के अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आधे घंटे का लगभग ये वीडियो रहेगा। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपका एक क्वेश्चन कंफर्म अटेम्प्ट करा दूंगा, जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको करना ये है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे साथ साथ याद कर देना है, आपका डेफिनेटली फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन बन जाएगा इन्हीं में से। हम टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट और जिनमें से आ जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इंडिविजुअल के पास या पर्सन के पास बिजनेस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो या फिर वो अकेला बिजनेस करेगा। तो जब एक इंडिविजुअल अकेला बिजनेस करता है तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। जब वो एक जने के साथ में बिजनेस करता है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। जब फैमिली मेंबर मिलकर बिजनेस कर देते हैं तो इंडिया में उसको बोला जाता है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक होती है कंपनी, जिसको प्यार से बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जब मेंबर के वेलफेयर के लिए अगर कोई बिजनेस किया जा रहा है या फिर बिजनेस नहीं किया जा रहा, मेंबर को प्रमोट करने के लिए या मेंबर के फायदे के लिए अगर कुछ करा जा रहा है तो उसको बोला जाता है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे अलग अलग तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, लोग अपनी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उस बिजनेस को रन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट इज सोल प्रोप्राइटर। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? जब भी एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, जब भी एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, सारा पैसा खुद लगा रहा है, सारा प्रॉफिट खुद लेके जाएगा, सारे लॉस के लिए खुद जिम्मेदार होगा, ऐसे बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीज़ें देखनी है, एक होता है फीचर, एक होता है मेरिट और एक होता है डीमेरिट। ये आपको तीनों देख के चलना है। तब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर क्या होती है? तो सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिड बाय एन इंडिविजुअल हु बियर ऑल द लॉसेस एंड गेन ऑल द प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट भी मेरे, सारा नुकसान भी मेरा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपका बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब सोल प्रोप्राइटर के आपसे अगर कोई पूछ ले फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप क्या क्या बोल सकते हो? ध्यान रखना, सबसे पहला सिंगल पर्सन, एक याद करते जाओ मेरे साथ साथ, चाहो तो लिख भी सकते हो आप और चाहो तो मुझसे नोट्स ले सकते हो। डिटेल में लिंक में मेरा नंबर दे रखा है, जस्ट मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा। इन सारे जो भी वीडियोस चल रही है उसकी पूरी आपको PDF मिल जाएगी, आराम से लर्न कर लेना, चाहो तो साथ साथ लिखते जाओ। सिंगल पर्सन होता है सोल प्रोप्राइटर में, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्विक डिसीजन मेकिंग। पैसा कम होता है इस बिजनेस के अंदर, क्यों? सर पैसा कम इस वजह से होता है क्योंकि आप अकेले आदमी हो तो पैसा कम होता है। एक ये चीज़ भी होती है कि आपको सारा का सारा प्रॉफिट मिलेगा, तो रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, बियरर ऑफ ऑल द लॉसेस, इंडिविजुअल लिमिटेड कैपिटल। सर अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो सिंपल सी बात है, बिजनेस बंद। डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो बिजनेस आपका बंद हो जाता है। ऐसा होता है सोल प्रोप्राइटर के केस में। अगर अपन बात करें सोल प्रोप्राइटर के फायदे क्या है, तो सबसे पहला क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला क्या हो जाता है इसका? क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला फायदा हो जाता है इसका क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी आ जाते हैं। नंबर टू, यहां पे आपको सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है। नंबर थ्री, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब मैं किसी के साथ काम करता हूं, किसी और के लिए काम करता हूं, कंपनी में करता हूं, तो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब खुद का बिजनेस डेवलप करने में आता है, सेटिस्फेक्शन। नंबर फोर, सारा प्रॉफिट मेरा था, डिसीजन जल्दी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इसमें। सर क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अकेला हूं तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, है ना। नंबर फाइव, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू एंड। सोल प्रोप्राइटर को चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है, शटर ऊपर बिजनेस चालू, शटर बंद बिजनेस बंद। आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती जितनी कंपनीज में होती है। तो ये हो जाते हैं फायदे सोल प्रोप्राइटर के। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि आपको याद रखना 4L रूल। क्या याद रखोगे? 4L रूल। सबसे पहला लिमिटेड कैपिटल, नंबर टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चों अगर सोल प्रोप्राइटर में आदमी का बिजनेस बंद हो जाता है तो
तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाती है कि वो सामने वाले को पे करेगा। मान लो मेरा एक बिजनेस था, मैंने आपसे उधार लिया 20 लाख का, अब बिजनेस में पैसे 10 लाख है, तो मैं क्या 10 लाख पे करूँगा? 20 सर पूरे 20 पे होंगे। सोल प्रोवाइडर में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, लाइफ कैसी होती है? लिमिटेड लाइफ, डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, बिजनेस वहीं की वहीं बंद। और लास्ट, लैक ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक आदमी एक चीज़ में अच्छा होगा, दो में अच्छा होगा, तीन में अच्छा होगा, चार में अच्छा होगा, सब में अच्छा नहीं हो सकता। इसी को बोल दिया जाता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। मुझे बताओ बात समझ में? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। 4L रूल, बोले याद हुए। मेरे साथ में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जहाँ पर भी एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, सारा प्रॉफिट खुद लेता है, सारे लॉसेस के लिए खुद जिम्मेदार है, इसी को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। फायदे अपन ने पढ़ते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग था, सारा प्रॉफिट खुद लेके जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ईजी टू स्टार्ट, ईजी टू एंड और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। दिक्कतें ये थी, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, पैसा कम रहता है, मैनेजरियल स्किल्स कम रहती है, कंटिन्यूटी कम रहती है, रिसोर्सेज कम रहते हैं। मुझे बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोल प्रोप्राइटर के बारे में, तो मुझे बताओ चार चीज़ें तैयार है या नहीं। सबसे पहला मीनिंग, एग्जांपल देना, फीचर्स, फिर एडवांटेजेस और फिर लिमिटेशन। ये चार टॉपिक से आपके आराम से पेजेस भी भरेंगे और आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और मीनिंग, बोले बात समझ गया? तो ये एक तरीका हो गया आपका सोल प्रोप्राइटर। नंबर टू आता है पार्टनरशिप। नंबर टू कौन सा आता है हमारा? पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? जब भी दो या दो से ज़्यादा जने, जब भी दो या दो से ज़्यादा जने बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जने बिजनेस करते हैं, कैरिड बाय वन या ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे तू कर चाहे मैं करूँ, भुगतना दोनों को पड़ेगा, इसी को बोला जाता है पार्टनरशिप। कैरिड बाय वन, ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप इज़ अ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, कैरिड बाय वन, ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आया? इसको बोला जाता है हमारा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की वही तीन चीजें, फीचर्स क्या होंगे? अब की बार मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटर, वह एक ही जनाता है, एक से ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा होगी। बट मैनेजरियल स्किल नहीं थी, यहां पर डिसीजन कैसे होता है? बैलेंस होता है, वह अकेला लॉस भुगतना पड़ता था, यहां पे रिस्क की शेयरिंग हो जाती है, वहां पे प्रॉफिट पूरा का पूरा हमें मिलता था, यहां पे प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है। इजी टू स्टार्ट, इजी टू एंड, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप को खत्म कर देती है। ये तो हो गए फीचर्स। अब इसके फायदे क्या होंगे मुझे बताओ, फायदे क्या होंगे पार्टनरशिप में? सर सबसे पहला बैलेंस मैनेजरियल डिसीजन होता है, बिल्कुल ठीक। कैपिटल ज़्यादा होगी सोल प्रोप्राइटर से, बिल्कुल ठीक। और डिसीजन मेकिंग बड़ी, रिस्क शेयर हो गया, हमारा सबसे बढ़िया चीज़ थी रिस्क शेयरिंग हो गया। बोलो बात समझ में? नुकसान क्या है? नुकसान बताऊँ, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, अभी भी पैसा ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कंपनी, कैपिटल लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू कंपनी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे अपने पढ़ा था क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हो जाता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। मुझे बताओ बात समझ में आई? अब आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो, पार्टनरशिप के टाइप कितने होते हैं आपको पता है? 6 तरीके के पार्टनर होते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर। कौन सा पार्टनर? एक्टिव पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहला होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करूँगा, पैसा लगाऊंगा, लॉस झेलूंगा, प्रॉफिट लेके जाऊंगा, लायबिलिटी झेलूंगा, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो सारे के सारे काम कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू होता है स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पैसा लगाएगा, प्रॉफिट लूंगा, लायबिलिटी मानूंगा, लॉसेस झेलूंगा, काम मत करो मुझे सोने दो, काम नहीं करेंगे अपन, ऐसा पार्टनर जो एक्टिव नहीं रहता, उस पार्टनर को क्या बोला जाता है? हमारा स्लीपी पार्टनर। तो थर्ड होता है हमारा सीक्रेट पार्टनर, जो पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है, काम भी करता है, लायबिलिटी भी लेता है, एसेट भी लेता है, वो सारे काम करके चलता है जो एक नॉर्मल पार्टनर करके चलता है। लेकिन आपको पता है इसकी खासियत क्या होती है? ये पार्टनर वो पार्टनर है, ये पार्टनर वो वाला पार्टनर है जिसकी आइडेंटिटी छुपी हुई होती है,
जिसका नाम छुपा हुआ रहता है, द आइडेंटिटी इज हिडन, ऐसे पार्टनर को बोला जाता है जिसका नाम नहीं होता, जिसको बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर, चुपचाप से काम करता है वो। तीन हो गए, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सॉरी सीक्रेट पार्टनर। चौथा है नॉमिनल पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो काम नहीं करता, कैपिटल नहीं लगाता, लॉस नहीं भुगतता, प्रॉफिट नहीं लेता, लायबिलिटी आ जाती है। ऐसा पार्टनर जिसने अपना नाम दिया है, जैसे काम तुम और मैं कर रहे हैं, अपन शाहरुख खान के पास जाके बोले भाऊजी प्लीज़ आपका नाम हमारे बिजनेस में यूज़ करने दो, आप मान लो हम दुनिया को बताएंगे कि आप भी हमारे पार्टनर हो, काम देख लेंगे, बस आप बस बस, बस नाम यूज़ करने दो। ऐसे पार्टनर को बोल दिया जाता है नॉमिनल पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा है मैं भी पार्टनर हूँ, तो आजा बाबू तेरे को भी पार्टनर मान लेंगे। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं मिलता, लॉस नहीं मिलता, काम नहीं करता, लेकिन लायबिलिटी आ जाती है। अगर कंपनी डूबने वाली है, अगर बिजनेस डूबने वाला है, तो उसको भी पकड़ के लेते हैं, बाबू तू बोल रहा था ना पार्टनर है, अच्छा तू भी पार्टनर है। एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पाँच हो गए, वो पार्टनर जिसके सामने मैंने बोला ये भी मेरा पार्टनर है जबकि नहीं था और ये चुप बैठा रहा, तो उसको भी पार्टनर मान लिया जाएगा। ऐसे पार्टनर को भी अपन पार्टनर मान लेते हैं। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनना। एक होता है इनकमिंग पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा होता है, एक बिजनेस छोड़ के जा रही है तो बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। बोलो बात समझ में। ये दो हो गए, एक पढ़ा सोल प्रोप्राइटर, दूसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप। अब पढ़ेंगे तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, दैट इज कंपनी। चूक मत जाना मेरे साथ साथ रहना, कहीं दूर ना हो जाए। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, कंपनी एक ऐसी पर्सन है जैसे तुम और मैं पर्सन है, वैसे कंपनी भी एक पर्सन है, बट उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि तुम बोल सकते हो, कंपनी नहीं बोल सकती। तुम चल सकते हो, कंपनी चल नहीं सकती। तुम देख सकते हो, कंपनी नहीं देख सकती। बाकी जो काम तुम खरीद कर सकते हो, वो सारे काम कंपनी कर सकती है। तुम लॉ की नज़रों में हो, हाँ कंपनी भी है। तुम कोई चीज़ खरीद सकते हो, हाँ कंपनी खरीद सकती है। तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड है, कंपनी का भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम कोई चीज़ बेच सकते हो, हाँ कंपनी भी बेच सकती है। तुम किसी पे केस कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। कोई तुम्हारे पे केस कर सकता है, कंपनी पर भी कर सकता है। तो कंपनी तुम्हारी तरह ही एक पर्सन है, बस उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले अगर कंपनी के, तो क्या बोलोगे? कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो जाता है लॉ की नज़रों में अलग से माना जाता है। सोल प्रोप्राइटर को नहीं मानते, लेकिन कंपनी को अलग से पर्सन माना जाता है। तुम अलग, कंपनी अलग, अंबानी अलग, अंबानी की कंपनी अलग। अंबानी की कंपनी है ही नहीं, रिलायंस तो उन सब की है जिनके पास रिलायंस के शेयर है। अगर कल को रिलायंस के शेयर मुकेश अंबानी बेच देता है तो ही इज़ नॉट अ ओनर, ओनर वही है जिसके पास शेयर है। तो कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, मालिक अलग। बात समझ में आया? तो पहला था आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है सर? मतलब मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। सर मतलब किसी भी पर्सन की डेथ होने से, किसी भी पर्सन की इंसॉल्वेंसी होने से कंपनी बंद नहीं होती। ऐसा बोला जाता है अगर सारे के सारे पर्सन भी मर गए तभी भी कंपनी बंद नहीं होगी, इसलिए कंपनी को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। दैट इज मेंबर के आने और मेंबर के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। आई होप समझ में आएगा। तीन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सर ये कॉमन सील क्या होता है? ठप्पा, कंपनी का भी ठप्पा होता है। जैसे जब भी कंपनी के बिहाफ पे उसके डायरेक्टर साइन करते हैं तो साइन तभी वैलिड होगा जब उसके ऊपर कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है, तो उसको बोला जाता है कॉमन सील। अब कंपनी के अंदर क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। याद है अपने पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर आपको लॉस 20 लाख का है और आपके पास देने को 10 लाख है तो आप 10 लाख नहीं पूरे 20 लाख दोगे, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर लॉस 50 लाख का है, 30 लाख के आपके बेचने पे पैसे मिले और 20 लाख नहीं मिले, तो आपको 20 लाख देने की जरूरत नहीं, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, आपका घर नहीं बिकेगा, जितना बिजनेस में उतना ही देना है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर आप शेयर को बेच सकते हो, खरीद भी सकते हो, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक जने से दूसरे जने को शेयर दे सकते हैं। कंपनी अपने नाम पे शेयर खरीद भी सकती है, कंपनी अपने नाम में कोई एसेट भी खरीद सकती है, और कंपनी अपने नाम से कोई एसेट बेच भी सकती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट। मिनिमम एक प्राइवेट कंपनी में 2 जने चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 200।
पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जैसे रिलायंस कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कहाँ लिखे होते हैं, MOA और AOA के अंदर। बोलो बात समझ में, ये मेरे साथ याद कर लेना, चाहे तो वीडियो को दोबारा जाके देख लो, चाहो तो पॉज करके लिख लो, लेकिन प्लीज़ 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 याद रख लेना। ये मेरे 3 पार्ट खत्म हो गए, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। सर कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, सबसे ज़्यादा पैसा बहुत होता है कंपनी के अंदर। नंबर 2, डिसीजन बहुत बैलेंस लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ह्यूज प्रॉफिट होता है ना ये कंपनी के, क्या हो जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन कंपनी के नुकसान भी होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, र्यूमर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि आपने बिजनेस कोई और कर रहे हैं। बात समझ में आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं कंपनी के डिसएडवांटेजेस। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर आपस में ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को फॉर देयर बेनिफिट, इसको बोला जाता है सोसाइटी। जैसे कि मान लो अपन सबको मिलकर आटा खरीदना था 10-10 केजी, अब 10 केजी आटा आ रहा था 500 का, तो अपन ने देखा 100 केजी आटा मिल रहा है 3000 रुपये का, 10 केजी तो कितने का था, 500 का, और अगर अपन 100 केजी लेते तो अपन के 5000 रुपये लग जाते, पर जब 100 केजी का पैकेट आ रहा है तो वो आ रहा है 2000 रुपये का। पर बात यह है कि 100 केजी एक साथ खरीदेगा कौन, या 3000 केजी 3000 रुपये का, तो कौन खरीदेगा, लेगा कौन, 3000 एक साथ देगा कौन। तो हम 10 जने एक साथ मिल गए, सबने 500 रुपये दिए, हमने 3000 रुपये इकट्ठे करे जितने भी होते, उसको पे करके 100 किलो आटा लिया और 100 किलो आपस में हमने लोगों में बांट दिया। इसी को क्या बोला जाता है, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर ध्यान से सुन लो, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है, कंपलसरी नहीं होता कि करना है, आपकी इच्छा है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। मेंबर बनते हैं इसके अंदर, जैसे एक NGOs वगैरह हो जाते हैं, सोसाइटी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनना, इसके अंदर सबके पास वोटिंग पावर एक होती है, ईच वन हैज़ 1 वोटिंग राइट। इसके नुकसान क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट नहीं होता, फंड ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि गरीब लोग यार जो फंड ज़्यादा होते तो अकेला ही 2000 का नहीं खरीद लेता, फंड कम हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फंड कम पड़ जाते हैं, इसके अंदर फंड कम पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे मैनेजेरियल स्किल्स कम होती है। बात समझ में, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सप्लायर और सेलर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप इनमें से क्या क्या पढ़ के जाओगे, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से पढ़ना, कंपनी को अच्छे से पढ़ना, और सोल प्रोप्राइटर। लास्ट एक और होता है आपका, मैं याद नहीं था, मैं भी करवा देता हूँ, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब एक फैमिली मेंबर मिलके बिजनेस करते हैं तो उसको बोला जाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो कभी फैमिली का हेड होता है उसको बोला जाता है कर्ता, कर्ता विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फैमिली। जैसे समझो दादा दादी, उनके 4 बच्चे, 1, 2, 3, 4, उनके भी बच्चे, ये सब मिलके बिजनेस का पार्ट हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो भी सबसे बड़ा मेंबर, मेल मेंबर होता है, उसको बोला जाता है कर्ता। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, ये भी फैमिली बिजनेस हो जाता है, सारे मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। नंबर 3, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे कैसे होते हैं, फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं, बिजनेस बहुत पुराना होता है तो गुडविल हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है, ओल्ड थिंकिंग होती है, कर्ता कंट्रोल कर लेता है, वो अपने पुराने ख्याल के हिसाब से चलता है। नंबर 3, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। नंबर 4, फंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती अगर कंपनी से कंपेयर कर लिया जाए तो। नंबर 4, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ये दिक्कत आ जाती है HUF को, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ये एक HUF का पार्ट बन सकता है, जिसको बोला जाता है HUF का पार्ट फ्रॉम द बर्थ बन जाता है, अगर मेल मेंबर है, और जो बंटवारा करा सकता है HUF को, उसको बोलते हैं को पार्टनर। आई होप आपको समझ में आएगा, ये वीडियो में से आप में कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। मेक श्योर आप कंपनी, पार्टनरशिप और HUF बहुत अच्छे से करके जाओ। इस वीडियो को 2 बार देखो, नोट्स पढ़ लो, चाहो तो मुझे क्लिक कर दो, मुझे मैसेज का रिप्लाई कर दो, आप मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो अपने नोट्स खुद से बना लो। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। अभी भी मुझे कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर यू, बट डेफिनेटली इसको करके चाहिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा।